नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शास्त्रीय अकाल, कैसे सब लोग? ठीक है, ठीक है। नया हफ्ता, नया वर्क, काम तो वही है लेकिन नया जोश के साथ में हम लोग को शुरू करने का, ये हफ्ता भी कंप्लीट करने का, राइट। आज का अपना टॉपिक है प्रॉपर हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग के बारे में हम लोग रेगुलरली बात करते रहते हैं, राइट। हाउसकीपिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, हाउसकीपिंग क्या होता है, उसको कैसे करने का है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए या कौन आदमी कर सकता है, इसके बारे में आज हम लोग फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। हाउसकीपिंग क्या होता है, व्हाट इज़ हाउसकीपिंग? स्वच्छ रखना, खुद को रूम वूम साफ़ रखना, इधर जहाँ काम कर रहे हैं वो सब साफ़ रखना, कपड़े साफ साफ पहनना। पहला चीज़ जो हमारे दिमाग में आता है हाउसकीपिंग, साफ़ सफाई, राइट। साफ सफाई रखना हाउसकीपिंग का एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ साफ सफाई हाउसकीपिंग नहीं है, राइट। हाउसकीपिंग करने क्यों चाहिए हमको? हाउसकीपिंग नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगा? बीमारी होगी, एक्सीडेंट हो सकता है, आपको पता है जो भी फॉलिंग हजार्ड होता है, फॉलिंग इंजुरीज जो होती हैं, आदमी जो गिरने के बाद में जो इंजुरीज होती है उसमें से 17% जो भी एक्सीडेंट होते हैं वो हाउसकीपिंग की वजह से होते हैं। किस तरीके के, वो भी मैं आपको आगे बताएंगे। हाउसकीपिंग का मतलब होता है हमारा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं एरिया को सही रखना, साफ सुथरा रखना और आने जाने के लिए एक्सेस जो है वो क्लियर रखना। और ये जो हाउसकीपिंग है हम लोग को महीने में कितने बार करनी चाहिए? हर बार करनी चाहिए, डेली करना चाहिए। अरे सॉरी, महीने में पूछ रहे, डेली करना चाहिए, क्लीनिंग तो डेली, ये रेगुलर बेसिस पे हमको करने का है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। एक बार करने के कर दिया खत्म हो गया ऐसा नहीं, इसको हम लोग को कंटिन्यूस करते रहना चाहिए। जितना हम लोग साइट पे काम करेंगे उतना हम लोग को हाउसकीपिंग कंटिन्यूस करते रहने का, राइट। हाउसकीपिंग कौन करेगा? हर इंसान, हर कोई। हाउसकीपिंग साफ सफाई रखने का साइट का सबकी जिम्मेदारी है। ये साइट एक हमारा घर टाइप है, हम लोग रूम पे जितना टाइम रहता है उससे ज़्यादा टाइम हम लोग साइट पे बिताता है। तो हम लोग को जितना, जैसा हम लोग अपना रूम साफ सफाई रखता है हम लोग को साइट भी उसी प्रकार से साफ सफाई रखना ज़रूरी है, राइट। जैसे हम लोग घर पे है, छुट्टी के बाद हम घर पे जाएगा, घर का साफ सफाई रेगुलरली हमारा वाइफ लोग, बहन लोग, बीवी लोग देखता है। कभी वो नहीं है घर पे, कहीं गया हुआ है बाहर, या तो उन लोग का कोई तबीयत खराब हो गया है, तब हम लोग करते हैं कि नहीं? बिल्कुल, राइट। उसको करने की वजह से हमारी मर्दानगी कम हो जाती है, नहीं होती, राइट। तो साइट पे भी वही होना चाहिए, जब हम जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं उस एरिया पे अगर हाउसकीपिंग सही नहीं है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एटलीस्ट मेरे को काम शुरू करने से पहले वहाँ पे हाउसकीपिंग कर लेगा। नहीं, ये हेल्पर लोग का काम है, हेल्पर आके हाउसकीपिंग करके देगा उसके बाद ही मैं काम करेगा बोलेगा, ये आपका गलत एटीट्यूड है। हाउसकीपिंग सबकी जिम्मेदारी है, राइट। हाउसकीपिंग के अंदर साफ सफाई आता है, मटेरियल प्रॉपर स्टैकिंग आता है। हाउसकीपिंग करने के लिए भी एक प्लानिंग चाहिए, पता आप लोग को, क्योंकि जो भी मटेरियल आता है उसको हमें किधर रखने का है, कितना क्वांटिटी में रखने का है। फ्लेमेबल मटेरियल हम लोग साइट पर ज़्यादा नहीं रख सकते, पता आपको, कुछ भी डीजल पेट्रोल वगैरह जितना हमको रिक्वायरमेंट है उतना ही हमको रखना, उससे ज़्यादा हम साइट पर नहीं रख सकते। तो इस चीज़ का हमको ध्यान देने का है कि हाउसकीपिंग में हमको प्लानिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं सामान आया मैंने रास्ते में रख दिया, आगे आने जाने वाले को प्रॉब्लम हो गया, के लिए डेजिग्नेटेड एरिया होता है, हमको सामान उसी जगह पर रखने का, जितना क्वांटिटी चाहिए उतना क्वांटिटी में उधर रखने का, राइट। हाउसकीपिंग सबकी जिम्मेदारी है, हाउसकीपिंग क्यों करना चाहिए? साइट पर जो भी खतरा है, जो भी हादसा है उसको रोकने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया 70% फॉलिंग हजार्ड सिर्फ नॉट प्रॉपर हाउसकीपिंग की वजह से होते हैं, राइट। हाउसकीपिंग में क्या क्या, यहाँ पर हम लोग को क्या क्या आ जाता है, खतरा किस वजह से हो सकता है, क्या क्या खतरा हो सकता है? हम लोगों ने हाउसकीपिंग नहीं किया, स्लिपरी सरफेस है, आदमी स्लिप होकर गिर सकता है। काम करने के बाद हमने मटेरियल ज़मीन पे वहीं पे छोड़ दिया, जैसे अपना क्रोबार हो गया, बारी जिसको हम बोलते हैं, उसको हमने साइड पे ऐसे ही छोड़ दिया, कोई आदमी आया उसका जो ऊंचा वाला पार्ट है उस पे पैर रखा वो उल्टा होकर उसको लग सकता है। ऐसा बहुत सारा मटेरियल जो काम करने के बाद हमने अगर साइड पे छोड़ दिया उसकी वजह से भी हादसे होते हैं। कुछ सामान है हमने साइड पे छोड़ दिया, वो बारिश आया, धूप आया, हम लोग समुद्र के पास में काम कर रहे हैं, उसमें जंग लगेगा,
उसको जब हम दोबारा इस्तेमाल करने जाएंगे उसका डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा है। इसीलिए जो भी सामान हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करने के बाद उसको वापस उसी डेजिग्नेटेड एरिया में रखना ज़रूरी है। हाउसकीपिंग लगता है कि कुछ नहीं होता, इससे कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन बिना हाउसकीपिंग के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक मॉरल सपोर्ट भी आता है, ऑटोमेटिकली हमारे एक मॉरल सपोर्ट आता है कि हाँ मेरा साइट साफ है, मेरे को इसको साफ बना के रखने का। कचरा रहेगा, क्या हुआ, थोड़ा बहुत कागज ही तो पड़ा है, हम लोग बोलेगा, फिर बाद में क्या, थोड़ा बहुत मटेरियल ही तो पड़ा है, तो इससे हमारा माइंडसेट भी चेंज होता रहता है। तो हाउसकीपिंग हमको रेगुलर करने का है साइट पे, राइट 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 राइट। ओके भाई लोग, सो दिस इज द टॉपिक फॉर हाउसकीपिंग टुडे। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस हाउसकीपिंग? नो? ओके, थैंक यू।